वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी कोकन स्टाइल में फिश करी। कोकनी फिश करी जिसमें बहुत ज़्यादा नारियल इस्तेमाल होगा, मसाले बहुत कम होंगे, ज़्यादा तेल वेल नहीं होगा, लेकिन गजब ढाएगी ये फिश करी, बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो चलिए चलते हैं फिश की तरफ। लीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सी कोंकणी स्टाइल की फिश करी रेडी है। जैसा कि आप जानते होंगे, कोकण में नारियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वहाँ पर फिश भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। जैसे कि हम लोग अपने घर में रोज़ दाल बनाते हैं, उन लोगों के यहाँ रोज़ एज ए दाल फिश करी बनती है।
और इसीलिए वो लोग इसे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करते, बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करते और इसमें नारियल का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा बघारा बघूरी ज़्यादा भुना भानी कुछ भी नहीं होता। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पे कोंकणी स्टाइल की फ़िश करी हमारी हो गई है तैयार और ये गर्मा गर्म चावल के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। वैसे तो आप इसे चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन गर्म गर्म स्टीम राइस के साथ ये गज़ब ठहरती है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप भी जाइए अपने किचन में और ये कोंकणी स्टाइल में फ़िश करी बनाइए और फिर मिलते हैं मज़ेदार सी झटपट बनने वाली आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज। लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उसी से आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज़।